आज का विषय है 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग बिटवीन इंडो यूएस। यहां पर याद रखिएगा, इंडिया और यूएस के बीच 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग है क्या, सबसे पहले समझने की ये जरूरत है। तो यहां पर याद रखिएगा, ये जो मीटिंग हो रही है वो 2+2 यानी कि दो मंत्री इंडिया के हैं, दो मंत्री अमेरिका के हैं। कौन कौन से मंत्री हैं? अब जैसे डिफेंस मिनिस्टर्स की बात करेंगे तो डिफेंस मिनिस्टर में भारत की ओर से राजनाथ सिंह है, दूसरी तरफ से यूएस डिफेंस सेक्रेटरी मार्क एस्पर है। यहां पर याद रखिएगा, राजनाथ सिंह वर्सेस मार्क एस्पर। जबकि अगर बात करेंगे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में, तो यहां पर भारत की ओर से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं और दूसरी तरफ से यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइकल पैम्पियो हैं। तो यहां पर याद रखिएगा, माइकल पैम्पियो आज के दौर में सबसे चर्चित चेहरा पूरे के पूरे विश्व पॉलिटिक्स में। तो आप समझ सकते हैं कि ये 2+2 मीटिंग है क्या। तो 2+2 यानी कि दो इंडिया से, दो हमारे अमेरिका से। सिर्फ भारत 2+2 मीटिंग इंडो यूएस के बीच में नहीं होता, बल्कि इंडिया और जापान के बीच में भी होता है। तो इंडो जापान रिलेशन में भी 2+2 मीटिंग आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है 2+2 मीटिंग। यहाँ दो दो मंत्री एक साथ वार्ता कर रहे हैं और इनसे जो रिजल्ट इस बार निकला है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 5 अग्रीमेंट टोटल साइन हुए हैं, जिनमें से हम 3 का यहाँ पर वर्णन करने जा रहे हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। अब यहां पर देखिए, ये चारों के चारों लोग आपको एक साथ पिक्चर में दिख रहे हैं कि ये चारों के चारों ने बैठक की है। ये नई दिल्ली में चलने वाली बैठक थी, जिसमें भारत और अमेरिका खुलकर एक दूसरे के साथ आ गए हैं। इस जो एग्रीमेंट हुआ है, बेका एग्रीमेंट, इस बेका एग्रीमेंट में सबसे बड़ी चीज ये है कि अमेरिका अब अपनी जितनी भी सूचनाएं थी उन सबको उपलब्ध कराया जाएगा भारत को। तो यहां पर भारत और अमेरिका के बीच में एक सूचना के आदान प्रदान का पूरा जो नेटवर्क तैयार हो रहा है, इससे पाकिस्तान और चाइना में घबराहट देखने को मिल रही है। कारण सीधा सा है कि अगर चाइना का एक एक इंच जमीन का इंफॉर्मेशन अगर भारत के पास होता है, तो जो भी हमला होगा या जो भी युद्ध होगा उसमें भारत निर्णायक बढ़त हासिल करेगा। कारण सीधा सा है, भारत का खुद का अपना जो सिस्टम है वो भी काफी बेहतर है, लेकिन भारत के पास अब स्थितियां ये है कि हम किसी भी एक हार को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो भारत अपने तरफ से कोई रिस्क लेना नहीं चाहता कि कहीं से भी मेरे मिसाइलों का निशाना चूक ना जाए। तो भारत अब बिल्कुल ठोक बजा कर ये पुख्ता कर लेना चाहता है कि युद्ध हुआ तो हर हाल में हर मिसाइल का जवाब अच्छे तरीके से दिया जाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए इस पूरे के पूरे एग्रीमेंट को किया गया है। साथ में यहाँ पर लॉजिस्टिक एग्रीमेंट भी एक है हमारा। लॉजिस्टिक एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, इस चीज को समझिए। लॉजिस्टिक एग्रीमेंट में है कि अगर अमेरिकी जहाज भारतीय क्षेत्र में आ रही है तो उसे भारत में तेल भरने का, मरम्मत कराने का, बाकी सारी चीजों की फैसिलिटीज भी मिलेगी। हालांकि इसके ऊपर पहले से भी एग्रीमेंट है भारत और अमेरिका के बीच में। तो अब अगर यह युद्ध चाइना वर्सेस अमेरिका होता है, मान लीजिए इंडिया उस युद्ध में है ही नहीं शामिल, सीधे तौर पर इंडिया और किनारे रहता है और अमेरिका और चाइना दोनों आपस में भिड़ जाते हैं, तो उस स्थिति में भारत पीछे रहकर पूरा का पूरा समर्थन करेगा अमेरिका का और उसे हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। क्योंकि भारत कतई भी युद्ध के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता है, पहले आक्रमण करने की भारत की नीति नहीं है। वह पूरा का पूरा भारत उम्मीद है कि इंतजार करेगा चाइना के आक्रमण करने का। जब तक चाइना आक्रमण नहीं करता, भारत कहीं से भी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन यह स्थितियां अमेरिका और चाइना के बीच में नहीं होंगी। अमेरिका भी पहले आक्रमण कर सकता है, चाइना भी कर सकता है। अमेरिका भी जानता है कि अगर पहले आक्रमण करते हैं तो सरप्राइज फैक्टर उनके पास होगा, तो निश्चित तौर पर उन लोगों के बीच में कभी भी युद्ध भड़क सकता है। और चूंकि पूरे विश्व में जिस प्रकार से लामबंदी हो रही है, वह कहीं ना कहीं एक बड़ी आने वाली युद्ध की आहट को बतला रहा है। तो यहां पर देखो कि ये जो पूरा का पूरा युद्ध का माहौल बदल रहा है वह किस प्रकार से हो रहा है। उधर देख रहे हैं आप लोग, यूरोप में जंग छिड़ी हुई है, तुर्की पाकिस्तान सब मिलके लगे हुए हैं आर्मेनिया को धमकाने में और आर्मेनिया के ऊपर आक्रमण करने में। अब ये जो आर्मेनिया है, अब इसके साथ यहां पर देखिए आर्मेनिया, अब आर्मेनिया और दूसरी लड़ाई है अजरबैजान।
अब ये आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई के चक्कर में यहां पर क्या है, इस चीज को समझिए। आर्मेनिया हर हालत में चाहता है कि वो जो जमीन का हिस्सा जिसके लिए अजरबैजान परेशान है वो उसके पास बना रहे। अब आर्मेनिया के समर्थन में रूस है, वहीं पर अजरबैजान के समर्थन में तुर्की है। अब यहां पर तुर्की का क्या मामला है, इस चीज को समझिए। तुर्की पुराने ऑटोमन साम्राज्य का एक प्रकार से वारिस है, यहाँ पर सुलेमानी साम्राज्य जिसे कहा जाता था ये उसका वारिस है। तो ये चाहता है कि पूरा का पूरा जो इस्लामिक वर्ल्ड है वह इसे इसकी दादागिरी को सहे, या फिर इनके, क्योंकि यहाँ पर जब इस्लाम में का इमरजेंस हुआ था तो उसके बाद चार खलीफा हुए थे और ये खलीफा की अवधारणा यहीं पर थी। तो ये चाहता है कि हम मुस्लिम वर्ल्ड का हीरो बने रहें और मुस्लिम वर्ल्ड का नेतृत्व तो करने के लिए ये परेशान है। इसके साथ तुर्की के साथ पाकिस्तान लग गया है। अब पाकिस्तान का क्या है, यह एकमात्र न्यूक्लियर पावर वाला मुस्लिम देश है, तो यह अपने आप को सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर वाला मुस्लिम देश कहता है। बड़ी मजेदार स्थिति है। अब यहां पर ध्यान से देखो, अभी जैसे ही फ्रांस के राष्ट्रपति ने आलोचना की आतंकवाद की, पूरा का पूरा विश्व उनके ऊपर टूट पड़ा है, यह कह सकते हैं कि जितने भी मुस्लिम देश है सब के सब मुखर हो पड़े हैं। मजेदार चीज यहाँ पर देखिए कि ये सारे के सारे लोग फ्रांस के विरुद्ध तो खूब बोल रहे हैं, लेकिन यही मुस्लिम देश चाइना के विरुद्ध बोलने का हिम्मत नहीं कर पाते हैं। चाइना में एक उरियूर प्रांत है आपका, यह जो उरेगुर यहाँ पर मुस्लिम है, वहां पर क्या किया है चाइना ने, वहां की कुरान को भी मॉडिफाइड कर दिया है कि कुरान में यही आपको पढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा और क्या किया है वहां पर, वहां पर दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध लगा हुआ है कि आपको इतनी छोटी ही दाढ़ी रखनी है। कपड़ा कैसा पहनना है वह भी है, आप पूरा का पूरा जो मुस्लिम युवतियां पूरा का पूरा नकाब पहन के निकलती हैं तो वो सारा का सारा बैन है। और भरे बाजार में अगर कोई लॉन्ग स्कर्ट पहन के निकलती है तो उनके स्कर्ट को भी काट दिया जाता है कैंची से कि नहीं आपको इतने तक ही कपड़े पहनने हैं। इसके अलावा मौलवियों को उनके कपड़े में खूब नचवाया जाता है। वहां एक ऐसा वहां पर जेल बनाया गया है चाइना में जिसमें 10 लाख लोगों को डाल के रखा है और इनका सबका पॉलिटिकल माइंड वॉश कर रहा है चाइना। मजेदार चीज है, अमेरिका ने जब डिमांड किया कि इस चाइना के जेल का निरीक्षण किया जाए और इसमें यूनाइटेड नेशन में प्रस्ताव लाया गया तो यही तुर्की यही पाकिस्तानों ने विरोध कर दिया कि नहीं ऐसी जरूरत नहीं है। अब आप समझिए कि फ्रांस में किसी ने कार्टून बना दिया तो ये लोग इतना ज्यादा उद्ग्र हैं, इतना ज्यादा गला काटने पर उतारू हैं। लेकिन वहीं पर अगर बात किया जा रहा है कि वहां पर दाढ़ी काटी जा रही है, वहां उन मौलवियों को नचवाया जा रहा है, साथ में उनको यहाँ तक कि ये स्थिति है कुरान को मॉडिफाइड कर दिया, कुरान की कई चीजें हटा दी गई, कई अपने तरफ से जोड़ दी गई, उसके ऊपर कोई भी मुस्लिम देश बोलने को तैयार नहीं है। ये स्थिति है आज के टाइम में। अब ये पाकिस्तान का तो बड़ा मजेदार स्थिति है। पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने अभी अपने असेंबली में, जनरल असेंबली उसके संसद को कहते हैं, एक प्रस्ताव पारित किया कि फ्रांस से हम अपने राजदूत को वापस बुलाएंगे। पूरा का पूरा प्रस्ताव पारित हो गया, लेकिन बाद में दूसरे दिन पता चला कि पाकिस्तान का तो उच्चायोग ही नहीं है फ्रांस में, फिर ये लोग बुलाएगा किस चीज को। आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की मानसिक स्थिति क्या है। अब ये पाकिस्तान भी जाके अजरबैजान के समर्थन में अपने सोल्जर्स को भेज रहा है, तुर्की भेज रहा है। तो एक्चुअली यहाँ पर तुर्की की चाहत है कि वो सारे मुस्लिम देशों का नेता बन जाए, पाकिस्तान की भी चाहत यही है क्योंकि वो सिंगल अपने आप को समझता है कि परमाणु बम वाला देश है। अब ये बात है कि उठ रही है, पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि जो एटम बम बनाया है उसे फ्रांस के ऊपर चला दो। गलती से लोग अगर चला दिए तो फ्रांस कितने एटम बम चलाएगा ये शायद गिन नहीं पाएंगे कोई, क्योंकि इस पूरे के पूरे विश्व में अगर उन फ्रांस के सोल्जर्स की बात की जाए तो उनका दमखम बहुत ज्यादा है और उनकी कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है। एयरफोर्स में जब आज से करीब करीब 20 साल पहले कैपेबिलिटी के ऊपर टेस्टिंग हुई थी तो नंबर 1 पर फ्रांस रहा था और नंबर 2 पर इंडिया रहा था। भारतीय एयरफोर्स, भारतीय जो पायलट्स थे वो नंबर 2 पर रहे थे, नंबर 1 पर रहा था फ्रांस कैपेबिलिटी के मामले में। अमेरिका वगैरह चौथे पांचवे में थे। हाँ, लेकिन अमेरिका आगे हो जाता है टेक्नोलॉजी के मामले में।
तो यहां पर याद रखिएगा ये एक बड़ी विचित्र स्थिति है। खैर चलो आगे देखते हैं यहां पर क्या हो रहा है। अब यहां पर बात करते हैं आफ्टर ए मोर देन डिकेड्स, करीब करीब एक डिकेड्स के इंडिया यूएस टॉक के बाद आर ऑल सेट टू साइन ए लास्ट फाउंडेशन एग्रीमेंट। अब यहां पर एक अंतिम एग्रीमेंट किया जा रहा है 10 सालों के डिस्कशन के बाद, जिसका नाम दिया गया है बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट बेस। अब यहां पर आपसे पूछेगा बेका का फुल फॉर्म क्या है, बैंक वाला एग्जाम, एसएससी वाला, रेलवे वाला एग्जाम, बेका का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या कहेंगे, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट। तो इस नाम को आप लोग याद रखेंगे। तो यहां पर बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियोसेप्टिकल कॉपरेशन, किसके लिए, ये जियोसेप्टिकल आपका कॉपरेशन, जियोसेप्टिकल यानी कि जो भी आपका नक्शा है पूरा का पूरा वर्ल्ड का, तो उसके नक्शे से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाएगा, जियोसेप्टिकल कॉपरेशन। अब यहां पर कोई मिसाइल अगर हमको मारनी है चाइना में, तो हमको तो एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए ना उसका, कि कितने डिग्री पर है ये, और एकदम से उस पॉइंट, उस बिल्डिंग को उड़ाना है, तो इसके लिए ये जियोसेप्टिकल इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि मिसाइलें जब मारी गई तो उसी बिल्डिंग पर गिरे या उसी चीज पर गिरे जिसके ऊपर हम टारगेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि 20 फीट दूर जाके गिरे, तो 20 फुट दूर गिरने की कोई बात नहीं है, यहाँ यहाँ गिरना है एकदम से उसी के ऊपर। तो इसके लिए आपका यह बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट और जियोसेप्टिकल कॉपरेशन किया गया है, तो बेका एग्रीमेंट, ताकि मैपिंग का पूरा हमारे फायदा मिल सके अमेरिका के सिस्टम का। दिस एग्रीमेंट हैज बीन रनिंग इनटू वेरियस सिक्योरिटी कंसर्न, यह किसके लिए इंपॉर्टेंट है, वेरियस सिक्योरिटी कंसर्न ओवर द ईयर विच नाउ हैव बीन एड्रेस थ्रू द सेवरल राउंड टॉक बिटवीन द टू कंट्रीज। अब इसे कई दौर की वार्ता के बाद अप्रूव किया गया है इस एग्रीमेंट को, तो यहां पर याद रखिएगा यह एग्रीमेंट के लिए कई वर्षों से तैयारी चल रही थी और ये सही समय था कि इस एग्रीमेंट को साइन किया जाए, क्योंकि अब हम लोगों को उसकी नींद पड़ने वाली है। अब यहां पर आप लोग समझ लीजिए कि नीड क्यों होने वाली है। अब यहां पर समझो, चाइना एक ऐसा देश है जिसने कोरोना वायरस को क्रिएट किया। अब ये कोरोना वायरस को क्रिएट किया तो यहां पर याद रखिए करीब करीब 2 लाख लोग अमेरिका में मारे गए हैं। यहां पर याद रखिए अमेरिका में कितने, 2 लाख, सिर्फ अमेरिका में 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। तो आपको क्या लगता है WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर हमला हुआ था, 3,000 लोग मारे गए थे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था, 3,000 लोग मारे गए थे, क्या इस हमले का बदला लेने के लिए अमेरिका ने पूरे के पूरे अफगानिस्तान को उड़ा दिया था बम से, ओसामा बिन लादेन को ढूंढ के मारा, 3,000 लोगों की मौत का बदला लिया। तो ये 2 लाख लोगों की मौत का बदला अमेरिका नहीं लेगा, बिल्कुल लेगा। सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है, इसके अलावा यूके का भी है 50,000 से ज्यादा लोग, जर्मनी का भी है, फ्रांस का भी है, तो ये सारे देश छोड़ देंगे, भारत थोड़ी है कि भारत में अगर कुछ हो गया, 2-4 हजार, 2-4 लाख लोग मर भी गए तो भारत सरकार उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करती थी आमतौर पर पहले। कश्मीर से 5 लाख ब्राह्मणों को निकाल दिया गया, कोई रिएक्शन नहीं आया पूरे के पूरे देश में, सब लोगों ने कोई चूं से चां तक नहीं किया, 5 लाख कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया गया, कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो यहाँ पर सीधा सा चीज ये है कि हमारे यहाँ नहीं रिएक्शन होता है, लेकिन अमेरिका में इसको नहीं छोड़ेगा, तो आज चाइना को घेरेगा, कल घेरेगा, लेकिन घेरेगा पक्का है ये है। तो ये चीज तो चाइना भी जानता है, तो चाइना भी ये चीज जानता है, तब अब उपाय क्या बचा उसके लिए, अब उपाय ये है कि वह अमेरिका को डरा दे। अमेरिका को डरा देगा तो कैसे डरा देगा, तो यहां पर करना ही उसे ये है कि कोई छोटा देश देखेगा उसको पकड़ के वह आक्रमण करके पीट देगा। अब इससे डर जाए अमेरिका तो बड़ी अच्छी बात है, न डरे तो फिर स्थितियां वही होंगी। तो यहां पर अब चाइना की कोशिश है कि किसी छोटे देश के ऊपर अधिकार कर लिया जाए, हमला हमला किया जाए, ताकि पूरा विश्व बिरादरी डर जाए उससे कि क्या खतरनाक इसके पास वेपन है। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा अगर चाइना करता है तो उल्टा और तेजी से आक्रमण होगा। तो यहां पर स्थिति यही है कि अमेरिका या यूरोप इन्हें छोड़ने वाले नहीं है,
ये सारे के सारे ईसाई देश हैं, तो ये लोग कहीं से भी छोड़ने वाले नहीं हैं। तो अब यहाँ पर अब ये एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और यूएस के बीच में। तो यहाँ पर देखिए 27 अक्टूबर को ये एग्रीमेंट हुआ, 27 अक्टूबर को द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ऑन मंडे हैड ऑफिशियली अनाउंस दैट द बेका एग्रीमेंट विल एट द एंड ऑफ द थर्ड राउंड ऑफ 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग इन न्यू दिल्ली। तो तीसरे राउंड की वार्ता के अंत में इस बेका एग्रीमेंट को साइन कर लिया गया। अब बेका एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें हैं ये हम लोग देख लिए हैं, अब और कुछ यहाँ पर देखते हैं। अब बेका एग्रीमेंट में जो जियोसेप्टिकल नक्शा है पूरे विश्व का, वह अमेरिका का शेयर होगा इंडिया के साथ, नतीजा भारत के हमलों में सटीकता आएगी। अब इसके अलावा सो फार इंडिया हैज इंक्ड कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी ऑफ द सिक्योरिटी एग्रीमेंट कॉमस्कासा। अब यहाँ पर एक और दूसरा एग्रीमेंट भी किया गया है जिसे हम लोग COMCASA कहेंगे, जिसका फुल फॉर्म है कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी ऑफ एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट कॉमेसा। तो ये आपको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा, इसका हिंदी बहुत कुछ नहीं है, ठीक है। साथ में दूसरा एक और है हमारा लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट LEMOA। तो दूसरा एग्रीमेंट ये है, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तो ये दोनों एग्रीमेंट को पढ़ना है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट LEMOA, दो हो गया, तीसरा तो बेका है ही हमारा। तो ये दो एग्रीमेंट और हमारे हैं, देखिए आगे क्या क्या है इसमें। अब यहां पर विथ कॉमेसा बेका एंड लमोया एग्रीमेंट अंडर द बेल्ट ऑफ इंडिया इंडिया शैल डिसिसिवली इवॉल्व एज ए सीरियस मिलिट्री पावर इन द इंडियन ओशन रीजन फॉर डिकेड्स टू कम। अब यहां पर ध्यान दीजिए, भारत इन तीन एग्रीमेंट से COMCASA, बेका और LEMOA, ये तीन एग्रीमेंट के दम पर भारत इंडियन ओशन रीजन में अगले एक दशक में 10 साल में एक बड़ी आर्थिक बड़ी सैन्य शक्ति बन जाएगा। तो आपका हिंद महासागर क्षेत्र में भारत एक बड़ी शक्ति बन जाएगा इस पूरे के पूरे तीन एग्रीमेंट से। कारण यहां पर सीधा सा है कि अमेरिका आपके ऊपर डिपेंडेंट हो गया, अमेरिका को आज आपका सपोर्ट चाहिए, आपको सपोर्ट चाहिए अमेरिका का, ये अलग चीज है, लेकिन आपसे ज्यादा अमेरिका को चाहिए इंडिया का सपोर्ट, ये सच्चाई है। तो अमेरिका को अगर चाइना को काउंटर करना है तो निश्चित तौर पर उसे क्या करना पड़ेगा, इंडिया का सपोर्ट लेना है। तो यहां पर वो इंडिया का सपोर्ट लेने के लिए आया है, नतीजा इंडियन ओशन रीजन में अब भारत का वैल्यू बढ़ना तय है और भारत का एक प्रकार से कह लीजिए हिंद महासागर क्षेत्र में धाक ज्यादा होगा। थ्री प्राइम इम्पैक्ट्स हैव प्रोवाइडेड द मच नीड इम्प्यूट्स टू द ड्रॉइंग यूएस इन्फ्लुएंस इन द एशिया पैसिफिक रीजन। तो यहां पर निश्चित तौर पर इन तीन संधियों ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के घटते प्रभाव को बढ़ाया है, तो अमेरिका का यूएस इन्फ्लुएंस अब घट रहा है इस पूरे के पूरे क्षेत्र में। तो अमेरिका का इम्पैक्ट, प्रभाव या कह सकते हैं दबदबा इस पूरे के पूरे क्षेत्र में कम होता जा रहा है। द विजिट ऑफ द यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो, नाम क्या है इनका, माइक पॉम्पियो विजिट टू श्रीलंका। अब ये माइक पॉम्पियो कहाँ गया, श्रीलंका गया, मालदीप गया और इंडोनेशिया गया। अब ये तीन देशों के साथ वो जाके एग्रीमेंट कर रहा है, इज ए क्लियर इंडिकेशन, ये साफ तौर पर बतला रहा है ऑफ द यूएस प्लान, यूएस के योजनाओं को टू ब्रिंग हाईली एक्टिव इन दिस रीजन, कि वह इस क्षेत्र में काफी ज्यादा एक्टिव क्रियाशील होने जा रहा है। विथ प्रोबेबली ए सस्टेंड प्रेजेंस नाउ, और एक प्रकार से स्पष्ट रूप से वह इस पूरे क्षेत्र में खूंटा गाड़ के बैठने जा रहा है, क्योंकि उसे भारत जैसा सहयोगी मिल रहा है। तो अब यहां पर वो खूंटा गाड़ के इस पूरे के पूरे क्षेत्र में बैठेगा और चाइना के प्रभुत्व को कम करने का काम करेगा। तो ये इस प्रकार की पूरी स्थितियां हैं। अब यहां पर देखिए कॉमस्कासा एग्रीमेंट के बारे में हम लोग यहां पर, अब देखिए द कॉमस्कासा फ्रेमवर्क फॉर द इंटरचेंज ऑफ
यहां पर याद रखिएगा, ये पूरा का पूरा जब हम लोग कॉमस्कासा एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं तो कॉमस्कासा एग्रीमेंट में सीधा तौर पर यहां पर क्या हो रहा है, इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएस मिलिट्रीज के बीच में होगा। तो इंडिया और यूएस के सैन्य संबंध यहां पर काफी ऊंचाई पर होंगे। अब साथ में यहां पर क्या है, स्पेशली फॉर द यूएस सप्लाइड डिफेंस इक्विपमेंट, यूएस सप्लाइड डिफेंस इक्विपमेंट इन द केस ऑफ टू मिलिट्रीज प्लान्स टू एक्सरसाइज इन एशिया सी एंड अंडर वाटर डोमिनेंस। अब कहीं भी हवा में, समुद्र में या पानी के अंदर कोई भी एक्सरसाइज किया जाता है इंडिया या यूएस के द्वारा, तो यहां पर स्पेशली यूएस जितना भी आपका सप्लाई है डिफेंस इक्विपमेंट का, वो सारा का सारा इंडिया को हो सकेगा। याद रखिएगा, अमेरिका जो अपने लेटेस्ट हथियार देता है तो उसके साथ बहुत सारे एग्रीमेंट वो या बहुत सारी शर्तें लगाता है। तो यहां पर याद रखिएगा, अब पहला तो वो बहुत सारे कम देशों को देगा, सारे देशों को वो अवेलेबल नहीं होता है। दूसरा चीज ये है कि वो जब देगा इन सारे चीजों को तो उसके साथ शर्तें लगाता है। तो यहां पर अब चूंकि हम लोगों को हाई पावर वाले वेपन्स चाहिए, तो हम लोग एग्रीमेंट कर रहे हैं, और ये एग्रीमेंट होना एक बड़ी चीज है। तो यहां पर अब हर जगह पर यूएस वेपन्स हमारे पास अवेलेबल हो पाएंगे हर एक प्रकार के ऑपरेशन के लिए। यहां पर याद रखिएगा, इंडिया अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। क्यों डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि हम रसिया से भी वेपन्स लेते हैं, हम यहां पर फ्रांस से भी वेपन्स लेते हैं, तो इसके अलावा हम इजराइल से भी वेपन्स लेते हैं और यूएसए से भी लेते हैं। तो चार हमारे बड़े डिफेंस पार्टनर हैं, जिसमें से रसिया, फ्रांस और आपका अगर बात करेंगे इसराइल, इन तीन देशों का कोई बहुत बड़ा शर्त नहीं होता है, केवल एक यूएसए का प्रॉब्लम होता है। तो हम चारों प्रकार के इक्विपमेंट्स को यूज कर रहे हैं, और साथ में अपना इंडिजिनस प्लान भी रखे हुए हैं कि अपना डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो यहां पर अब ये एग्रीमेंट होने से अमेरिकन जो हथियार है वो भी हमारे पास अवेलेबल हो पाएगा। अब यहां पर कौन कौन सा लिंक है ये देख लीजिए, द यूएस हैव इट्स ऑन लिंक 16, लिंक 11। यहां पर दो है, एक है लिंक 16 और दूसरा है लिंक 11। ये डिटेल में नहीं जाना क्या लिंक 11 है क्या लिंक 16 है, केवल नाम याद रखना है। सिस्टम एज द मेन टैक्टिकल डाटा लिंक विच इज यूज्ड बाय ऑल नाटो फोर्स एंड लिंक 16 इक्विपमेंट्स। यहां पर लिंक 16 इक्विपमेंट इज इंस्टॉल्ड ऑन सी, ये सारे के सारे समुद्र में तैनात किए जाएंगे एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म के ऊपर और ग्राउंड के ऊपर। तो ये जो हमारा लिंक 16 के हथियार है या लिंक 11 के हथियार है, तो ये सारे के सारे अब इंडिया के लिए अवेलेबल हो पाएंगे। तो यहां पर जो लेटेस्ट होगा, जिसे वो अपने पास रखने के अलावा बेचता है, तो ये हम लोगों के पास अवेलेबल हो पाएगा। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है। फॉर द एफिशियंट एंड इफेक्टिव यूज ऑफ द वॉर फाइटेडनेस एसेट्स इट रेगुलरली इनहेंस टू द इफेक्टिवली प्रोड्यूस्ड कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर्स। तो यहां पर याद रखिएगा, ये जो हथियार खरीदे जाएंगे ये सब के सब इफेक्टिवली प्रोड्यूस उत्पन्न करेगा कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर को। यहाँ पर दोनों देश मिलकर यह सारे चीजों को स्थापित करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे मिलिट्री स्टेशन से लेके सारा कुछ तैयार किया जाएगा। अब यहाँ पर एक लास्ट एग्रीमेंट LEMOA, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दिस एग्रीमेंट इज प्राइमरली फोकस्ड ऑन द ज्वाइंट मिलिट्री कोऑर्डिनेशन, यह संयुक्त सैन्य सहयोग के ऊपर और ऑपरेशंस के ऊपर ये है, एंड प्रोविजनल टू ईच अदर मिलिट्री फैसिलिटीज फॉर लॉजिस्टिक सपोर्ट। लॉजिस्टिक सपोर्ट का मतलब है कि जहां जहां हमारी पहुंच नहीं है वहां अमेरिका हमें हेल्प करेगा। साउथ चाइना सी में अगर हम डायरेक्ट हमको कोई दिक्कत हो रही है, तो साउथ चाइना सी में अमेरिका के प्लेटफॉर्म को हम लोग यूज कर पाएंगे। मान लो इंडिया और चाइना के बीच में डायरेक्ट वार होता है, तो उस स्थिति में क्या होगा, अमेरिका के जितने भी युद्धपोत हैं या बाकी उसके जो भी अड्डे हैं उनका हम डायरेक्टली यूज कर पाएंगे, उनके हथियारों का यूज कर पाएंगे, उनके सारे वेपन्स का यूज कर पाएंगे। तो ये एक प्रकार से अमेरिका डायरेक्ट युद्ध में नहीं भी उतरता है तो भी हम वहां से युद्ध में यूटिलाइज कर पाएंगे, उनके नौसैनिक अड्डों का भी यूज कर पाएंगे। अब साथ में यहाँ पर लॉजिस्टिक सपोर्ट यानी कि हथियार, गोला बारूद इत्यादि सारा का सारा, क्योंकि याद रखिए 1999 में जैसे ही हमारा
कारगिल के ऊपर वार शुरू हुआ, अमेरिका ने सारे हथियार और बाकी सारे देने बंद कर दिए, अमेरिका ही नहीं पूरे विश्व ने बंद कर दिए। केवल दो देश थे, एक साउथ अफ्रीका था, दूसरा इजराइल था। ये दो देश से हमको सारा हथियार, गोला बारूद मिल रहा था, बाकी सारे देशों ने बंद कर दिया था युद्ध के समय, हम नहीं हथियार देंगे। तो यहाँ पर याद रखिएगा, अब ऐसा नहीं होगा, अब युद्ध के समय हमको जो भी हथियार चाहिए होगा, हो सकता है कुछ जरूरत ऐसा पड़ जाए कि हमको स्पेशली कोई हथियार चाहिए, वो हमारे पास नहीं है, तो उस कंडीशन में भी ये रुकेगा नहीं। लॉजिस्टिक सपोर्ट का मतलब है आपका परिवहन वाला क्षेत्र में भी काफी ज्यादा हेल्प होगा। तो यहाँ पर परिवहन, लॉजिस्टिक सपोर्ट, हथियार पहुंचाना है, तो अमेरिका के जो भी मतलब ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स हैं वो सारे के सारे यूज होंगे। ओइंग द लेमोए बोथ इंडिया एंड द यूएस विल एबल टू एक्सेस ईच अदर मिलिट्री फैसिलिटीज। तो अमेरिका की जो मिलिट्री फैसिलिटीज है उसे हम यूज कर पाएंगे फॉर फ्यूलिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए। फ्यूलिंग के लिए भी यूज होगा, लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए भी। हथियार चाहेंगे तो हथियार भी मिलेगा, हथियार ढोने का भी ये मिलेगा। तो ये सारा का सारा लॉजिस्टिक सपोर्ट में, किराए पर भी हम लोग हो सकता है ले पाए, ठीक है। तो ये सारा का सारा हमारा यहाँ पर LEMOA के एग्रीमेंट में है। दिस इंटेल सेटिंग्स अप टू रिपेयर एंड रिप्लेनिशमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब कोई हमारा जहाज रिपेयर करना है, हमें कोई क्षतिग्रस्त हो गया है युद्ध में, उसमें अमेरिका की सुविधाएं उपलब्ध होंगी क्योंकि वो तेजी से रिपेयर कर पाता है। फॉर यूएस आर्म फोर्सेस के लिए, क्योंकि वो लोग तो बैठे हुए हैं तो निश्चित तौर पर तेजी से रिपेयर हो पाएगा। इन इंडिया सो, और भारत में भी रिपेयरिंग से लेके बिल्डिंग की फैसिलिटी बहुत तेज है। तो अमेरिका अगर युद्ध में चला जाता है तो उनके जितने भी शिप्स से लेके जितने भी ये हैं उनको रिपेयर इंडिया में कर पाएगा वो। सो दैट देयर यूनिट्स कैन बी इफेक्टिवली ऑपरेशनलाइज इवन आफ्टर सफरिंग बैटल डैमेज। अगर युद्ध में कोई उनको नुकसान हो जाता है, अमेरिका को या इंडिया को, तो दोनों एक दूसरे की सुविधाओं का लाभ ले पाएंगे। इंडियन बाउंड्रीज कैन प्रोवाइड सेफ जोन। भारतीय बाउंड्रीज में उनको सेफ जोन मिल पाएगा फॉर यूएस फोर्सेस इन द रीजन। अगर यूएस फोर्स को कभी भारत के अंदर रहना है या सेफ जोन चाहिए, सुरक्षा चाहिए, तो निश्चित तौर पर वह भारत उनको शरण देने का काम करेगा कि आप रहिए यहाँ पर, खड़ा रख सकते हैं आप अपना प्लेन से लेके, डिफरेंट अलग अलग चीजें हैं, या नौसैनिक पोत है, आप यहाँ पर हमारी जमीन पर खड़ा रख सकते हैं। अब यहाँ पर लास्ट वाला जो हम लोग बेका देख रहे थे उसी को देखेंगे। द बेका इज अबाउट द एक्सचेंज ऑफ द जियोसेप्टिकल इंटेलिजेंस। ये किसकी बात कर रहा है? जियोसेप्टिकल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है। इंफॉर्मेशन फॉर द मिलिट्री एज वेल एज द गवर्नमेंट। यह याद रखिएगा, सिर्फ मिलिट्री यूज नहीं बल्कि सरकार की योजनाओं के लिए भी ये महत्वपूर्ण होगा। फॉर द कलेक्शन एंड द प्रोसेस ऑफ द GOINT इंफॉर्मेशन। द यूएसएल एक्सचेंज टेक्निकल इंफॉर्मेशन। यूएस क्या कर पाएगा? टेक्निकल इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर पाएगा रिलेटेड टू द स्पेसिफिकेशन मैथड्स एंड फॉर्मेट। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इस प्रकार से भारत के पास वो सारे लेटेस्ट मैप से लेके जुड़ी हुई जानकारियां उपलब्ध हो पाएंगी, जिससे भारत अपनी गवर्नमेंट प्लानिंग को बेहतर कर पाएगा, अपनी डिफेंस प्लानिंग को बेहतर कर पाएगा। तो यहाँ पर सीधा सा हमारा है एक्सचेंज ऑफ जियोसेप्टिकल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर जियोसेप्टिकल जो भी नक्शा है हमारा, नक्शे से रिलेटेड। अब नक्शे से रिलेटेड में क्या क्या चीजें हैं ये जरा देखेंगे। द कन्वर्सेशन ऑफ द प्रीवियसली कलेक्टेड जियोसेप्टिकल प्रायर टू WGS-84। अब जो पुराना हमारा वर्ल्ड जियोडेट्रिक सर्वे था 1984 का, उसका पूरा का पूरा डाटा था हमारा। अब यहाँ पर क्या है, रेफरेंस डैक्ट्रम इम्प्लीमेंटेशन वाज स्लो। यहाँ पर होता क्या है कि जो एग्जैक्ट लोकेशन होता है उसमें प्रॉब्लम है कि ये जो हमारे पास डाटा था वो बहुत एग्जैक्ट लोकेशन को नहीं पकड़ पाता है। अब यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन को नहीं पकड़ पाता है, 10 मीटर भी अगर हमारा टारगेट दूर हो गया तो हमारे लिए दिक्कत है, तो उस हमले का यूटिलिटी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर अब उसका हमले का सटीकता बरकरार रखे इसलिए ये किया गया है। एंड इरर प्रोन इन इम्प्लीमेंटेशन WGS-84। अब यहाँ पर ये जो एग्रीमेंट हुआ है बेका, इसमें जो नया नक्शा आएगा, जो नया हमारा एग्जैक्ट फिगर आएगा मिलके, पूरा का पूरा जो सैटेलाइट फिगर आएगा। अब आप लोग एक परमाणु मूवी देखे होंगे, परमाणु मूवी आप देखोगे, अमेरिकन सैटेलाइट है, किसी आदमी के हाथ में बंधी हुई घड़ी का टाइम भी देख लेता है। याद रखिएगा, ये इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो
आप समझ सकते हैं कि ये हाथ में बंधी हुई घड़ी का टाइम भी देख ले तो कितना ज्यादा स्ट्रांग इसका कैमरा है। तो ये सारे फैसिलिटीज को हमें भी अब उपलब्ध हो पाएगा। तो ये वर्ल्ड जियोडेट्रिक सर्वे जो 84 था उसके बाद का जो लेटेस्ट डाटा है वो सारा का सारा हमारे पास होगा। दिस ग्रुप शैल नाउ बी फिल्ड बाय द यूएस जीओआईएनटी इंफॉर्मेशन मेड अवेलेबल अंडर द एजिस ऑफ द बेका एग्रीमेंट। अब ये सारे के सारे चीजें बेका एग्रीमेंट में हमको उपलब्ध हो पाएंगी। बस इतना ही सारी इंफॉर्मेशन थी हमारे इस क्लास में। चलिए अगली क्लास के लिए हम लोग मिलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर।